हेलो फ्रेंड्स, सिलास फूड शाला में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ राखी स्पेशल मिनी कचौरी। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, रेगुलर घंटी जरूर दबाएं। अब हम आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। एक बाउल लेंगे, उसमें एक कप मैदा लेंगे। इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून घी डालेंगे। घी को आप गर्म कर लें, उसके बाद ही डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। मैदे और घी को एकदम अच्छे से मिला लें, क्योंकि हम ये खस्ता कचौरी बना रहे हैं, ये 15 दिन भी खराब नहीं होगी। मोन इतना डालें। खस्ता कचौरी में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा गुनगुना पानी लिया है, आप भी गुनगुना पानी लें और इसका डो तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालें और डो को तैयार करें। एक साथ में पानी बिल्कुल भी ना डालें। डो हम रोटी का जैसे लगाते हैं ऐसा ही लगाएंगे, न ज्यादा सॉफ्ट न ज्यादा कड़क। डो हमारा तैयार हो चुका है, इसे 10 मिनट ढक के रख देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लें जिससे आटा हमारा बिल्कुल चिकना हो जाए। आटा बिल्कुल चिकना हो चुका है। आटा लें, आटे को बेल लें पूरा बड़ा। थोड़ा सा घी लगा लें, सादा आटा या मैदा लगा लें, थोड़ा ही लगाएं, ज्यादा ना लगाएं और इसे रोल कर लें। इस तरह से रोल कर लें और इसे कट कर लें और इसे एक एक करके प्रेस कर दें। सारे मैंने प्रेस कर लिए हैं, इसे हल्के हल्के हाथों से बेलेंगे। इसे बेल लें। जब भी आपके पास आटा बच जाए आप इसे ये बना सकते हैं। मीठा बनाने के लिए नमक बिल्कुल भी ना डालें, क्योंकि अगर आप मीठा बनाएंगे उसमें नमक का स्वाद आएगा। इसको मीठा बनाने के लिए मैं इसमें चाशनी और कुछ भी नहीं बनाऊंगी। इसे कैसे मीठा बनाएंगे वो मैं आगे प्रोसेस आपको बताऊंगी। सारे मैंने बेल लिए हैं, आप इसी तरह से बेल के रख लें। आपके पास अगर दूसरा काम है तो आप इसे 1 घंटे बाद में भी फ्राई कर सकते हैं। तेल हमारा गर्म है। आप सोच रहे होंगे इसमें मैंने शक्कर और कुछ भी नहीं डाली है तो ये मीठी कैसे बनेगी, तो आप एंड तक जरूर देखिएगा। इसे भी लो फ्लेम पे ही तलना है। इसका भी गैस लो फ्लेम पे ही रखें, हाई फ्लेम पे बिल्कुल ना करें। अगर हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाएगी। इन्हें पलटा दें। आप ये बच्चों के टिफिन में भी डाल सकते हैं, अगर बच्चों को मीठा पसंद है तो। ये 10-15 दिन भी खराब नहीं होती। इन्हें फिर से पलटा दे। आपका घी अगर ठंडा हो गया है तो थोड़ा सा हाई फ्लेम कर दे, बीच बीच में इन्हें पलटाते जाए। हल्की ब्राउन हो चुकी है और इन्हें निकाल लें। कोई भी प्लेट या कोई किसी चीज में भी आप निकाल सकते हैं। फिर से इसमें डाल देंगे तेल में, घी में, फिर से घी में डाल देंगे। लगभग इतने आटे में हमारी 12 से 15 पीस बन चुकी है। पीसी हुई शक्कर हमारे घर में रहती है तो इससे हम क्या करेंगे, पीसी हुई शक्कर डालेंगे। आपको जानना था ना कि ये मीठी कैसे बनेगी, तो देखिए इसमें मैंने पीसी हुई शक्कर डाली है। सबको पलटा दे। इसमें गरम गरम में ही शक्कर लगाएं। ठंडी होने के बाद अगर आप शक्कर लगाएंगे शक्कर ऊपर से लगेगी नहीं, नहीं तो इसमें शक्कर पूरी अच्छे से चिपक जाएगी। ये देखिए शक्कर अच्छे से चिपक। कोई भी बाउल में शक्कर डाल के इस तरह से इन्हें मिक्स कर लें और जो एक्स्ट्रा शक्कर है वो नीचे रह जाएगी।